चाहती हो जो दूर बैठा है तुम्हारा पार्टनर वो यहाँ तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, परदेश छोड़ दौड़ा चलाए तुम्हारे पास। कभी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जब पति और पत्नी को, प्रेमी और प्रेमिका को अलग होना पड़े, परंतु फिर भी लोग ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं ताकि ये दोनों अलग हो जाए। अलग हो गए और जहाँ आंखों से दूर वहाँ दिल से दूर, है ना? ये तो संभव है, जहाँ आंखों से दूर वहाँ दिल से दूर, ये होता ही होता है। जब तक आपका प्रेमी आपके संपर्क में है, रोज मिल रहा है, बातें कर रहा है, एक अलग सा नशा उसके मस्तिष्क में छाया है, हम दोनों विवाह करेंगे, साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर यहाँ रोजी रोजगार के लिए, कोई चीज के लिए, जहाँ वो आपसे दूर हुआ, परदेश चला गया, दूसरे शहर चला गया, उसके बाद मुलाकातें खत्म हो गई, बातों पर बात सिमट गई, फिर बातें भी कम होने लगी, फिर वो व्यस्त रहने लगा, फिर आपके फोन को थोड़ा इग्नोर करने लगा, और अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब परेशान होकर उसने आपके फोन को ब्लॉक ही कर दिया, ताकि वो जब चाहे तो आपसे संपर्क करे, आप ना करें, आप ना परेशान करें। चलो ये तो प्रेमी और प्रेमिका है, किसी ना किसी कारण यह रिश्ता टूट भी जाए तो फिर भी भविष्य में दोनों को जोड़ा मिल जाएगा। लेकिन जब पति सताने लगे, पति ही आपको अपने आप से दूर कर दे, आपके फोन को ब्लॉक कर दे, परदेश बैठा है, पता नहीं किसके ख्वाब में रहता है, मुझे तो वक्त नहीं देता, और सिर्फ पतियों को नहीं कहूंगी, पत्नियां भी कभी कभी छोड़कर चले जाती है अपने पति को बच्चों के साथ और आना नहीं चाहती, किस धुन में सवार रहती है, कौन सा नशा रहता है उनपे, पर अपने पति के पास आकर अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। तब ऐसी सिचुएशन में यह प्रयोग, यह दिव्य प्रयोग कहूंगी, क्योंकि जल के माध्यम से आप इस बार आवाज देंगे अपने पार्टनर को, यह दिव्य प्रयोग महिला भी करे, पुरुष भी करे, पति भी करे, पत्नी भी करे, प्रेमिका भी करे, प्रेमी भी करे। आज एक बीज मंत्र बताऊंगी, बीज मंत्र को बीज से क्यों जोड़ा गया? बीज दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है। एक छोटा सा नीम का बीज डाल दीजिए धरती में, मिट्टी में, और उसके बाद देखिए कैसे आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड़ खड़ा हो जाता है, जिसमें हजारों लाखों फिर बीज निकल आते हैं। एक छोटा सा आम का बीज डाल दीजिए और देखिए फिर कैसे पूरा गांव खाएगा आम, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। बीज में कितनी क्षमता होती है, दो चार धनिया बो दीजिए जो दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है, और उसके बाद देखिए कैसे धनिया का प्रारूप बदल जाता है। ये होती है बीज। तो जो बीज मंत्र मैं बताती हूँ, मैं क्या बताऊंगी, संसार में जितने बीज मंत्र होते हैं वह गागर में सागर होते हैं, अर्थात आपको बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं, उस बीज मंत्र में इतनी शक्ति होती है। कभी कभी तो एकाक्षरी मंत्र होते हैं बीज मंत्र, केवल एक अक्षर का मंत्र। आज मैं कह रही हूँ जल में उसका प्रतिबिंब देख कर तुम उसे पुकार लो, फोन भी अनब्लॉक कर देगा वो, तुम्हें तुम्हारे सामने आएगा, भाग कर आएगा, तुम्हारा हाथ थामेगा, चाहे कितनी भी उसके उसको माइंड वॉश उसका किया गया हो, चाहे कितनी भी बातें उसको पढ़ाई लिखाई सिखाई गई हो तुम्हारे प्रति, सब भूल जाएगा और दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे है मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। कोई समस्या भी हो तो मुझे अवश्य लिखे, अवश्य जवाब दूंगी। एक छोटी सी बात बता दूं, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर्स से एक भी रुपए की धनराशि की डिमांड कभी नहीं की जाती, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जाता। तो यदि कोई मेरी तस्वीर लगाकर आपसे कुछ पैसे मांगे या कोई व्हाट्सएप नंबर दे, उनसे बचे, वो फ्रॉड है, और ईश्वर उनका कल्याण करे। एक जल ले लेना एक पात्र में, पात्र का मुंह चौड़ा हो जिसमें तुम अपना चेहरा, अपने प्रतिबिंब अच्छे से देख सको, अर्थात कटोरा ले लेना,
शीशे का ले लेना, ना हो तब स्टील का ले लेना। नॉनवेज खाया हुआ कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें आपने मांस मछली कभी बनाई हो खाई हो तो उस बर्तन का प्रयोग नहीं करना कभी भी किसी प्रयोग में, किसी भी उपाय में। इसीलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि किचन से कोई चीज ना ले। यदि कोई नया पात्र है तो ले ले, कुछ ना मिले तो नई बाल्टी ले लीजिए, पूजा रूम में तो होते ही है। चलिए, एक कटोरे में जल भर लेना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके शुक्रवार के दिन आसन लगा कर बैठ जाना, खुले आंगन में चाहे छत पर, पूरी रोशनी हो धूप हो। जल को स्थिर होने के लिए छोड़ देना, सामने बैठ जाना, बिल्कुल जल बिल्कुल सामने हो। ध्यान से देखो, तुम्हें जल में एक चुटकी नमक, एक लौंग डाल देना है। जल एक्टिव हो गया, अभी तुम्हें कुछ नहीं डालना। आंखें बंद करके अपने पार्टनर की गहरी अनुभूति लो, बहुत दिल से उसे याद करो, बहुत दिल से। ऐसा लगो मानो दो आसन में बिछाई हूँ, एक पे मैं बैठी हूँ, एक में वो बैठा है। इतने दिल से उसे याद करो, तुम जो कहना चाहती हो मन में उस बात को याद रख लो कि क्या कहना है तुम्हें, अनब्लॉक करे या वापस आ जाए। बच्चों को नहीं प्यार करता है तो बच्चों की याद उसे आ जाए। पैसे नहीं भेज रहा है तो वो तुम्हारा खर्चा, बच्चों का खर्चा भेजने लगे। अपनी एक इच्छा को सबल कर लो, अपने मस्तिष्क में सबल कर लो। यदि वो प्रेमी है तुम्हारा, तुम्हें विवाह करना है उसके साथ, तो ये बात रख लो कि तुम आओ और विवाह करके मुझे लेकर जाओ। जल में ध्यान से देखो, वो जो कटोरा रखा है तुमने, अब उसमें ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखेगा। नहीं देखना है तुम्हें तुम्हारा चेहरा, तुम्हें उसकी प्रतिबिंब देखनी है। और ये हर इंसान के अंदर क्षमता है कि हम जहां पर भी चाहें किसी को भी देख सकते हैं, केवल मन शांत होना चाहिए। तुम जल से अपने प्रतिबिंब हटाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करो, कोशिश करो, वो दिखेगा, वो दिखेगा, वो दिख रहा है, हाँ वो दिख गया। ये अवस्था आनी चाहिए। जब वो दिख जाए, एक बीज मंत्र कहना, 7 बार बिना कंटिन्यूटी टूटे उस प्रतिबिंब को देखते हुए, ओम चन चा ऊपर बिंदी लगातार, ओम चन ओम चन ओम चन, कंटिन्यूटी ना टूटे, 7 बार जल में देखकर इस बीज मंत्र को बोलना और अपनी इच्छा कहना उससे। कहां भागकर छुपे हो तुम, तुरंत आओ मुझसे विवाह करो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बच्चों की याद नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, आकर लेकर जाओ उसे, वो याद कर रहे हैं, आओ मिलने आओ। खर्चा नहीं चल रहा हमारा, बच्चे नहीं पल रहे मुझसे, तो मुझे खर्चा भेजो। तुम्हें जो तुम्हें कहना है, तुम्हें दुख है, तुम्हें पति के साथ जाना, तुम ये कहो। उसकी प्रतिबिंब को देखकर चंद्रमा के माध्यम से आज जो तुम कहोगी वह उसके मस्तिष्क में जाएगा, कानों में नहीं जाएगा। ये इतना चमत्कारिक प्रयोग आज मैंने तुमको बताया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे, तालाब में प्रतिबिंब देखकर अपनी पत्नी को या दूसरे ऋषि मुनि को संदेश भेजते थे इसके माध्यम से। तालाब में अपना चेहरा देखकर उसकी प्रतिबिंब लाकर आज मैं तुमको वो दिव्य प्रयोग बताई हूँ। बस कर लेना और देखो कैसे उन तक खबर पहुंचती है तुम्हारी, भाग कर आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।